अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए होममेड रेमेडी लेके आई हूँ फॉर ब्लैक हेड्स। ये भी मसला बहुत बढ़ता जा रहा है, हर दूसरे तीसरे इंसान को देखने में आ रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ये ब्लैक हेड्स बनते कैसे हैं, आते कैसे हैं। जब हमारी स्किन के पोर्स ओपन होते हैं तो उसमें डर्ट्स और पोल्यूशन चली जाती है और जाके वो पोर्स को लॉक कर देती है, जिसकी वजह से हमारे फेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को आते हैं, जिसमें एक्नी हो जाती है, पिंपल हो जाता है। तो ये ब्लैक हेड्स फेस के किसी भी हिस्से में होते हैं, मोस्टली देखने में आता है नोज़ पे होते हैं और चिन पे होते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरह ब्लैक हेयर्स को रिड्यूस कर सकते हैं। तो इस रेमेडी के 3 स्टेप हैं, तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। रेमेडी आप जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट करनी थी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फर्स्ट स्टेप में हमें जो चीज़ें चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए गर्म पानी, तो उसके बाद चाहिए हमें एक साफ़ टावल चाहिए। तो इस टावल को हम गर्म पानी में डिप करेंगे। और ये ब्लैक हेयर्स वाली जगह जहाँ पे नोज़ पे है या चिन पे है, तो आपने ऐसे रख देना है उसको थोड़ी देर के लिए, हार्ड टावल को। 2 से 3 मिनट हो गए हैं रखे हुए, तब इसको रिमूव कर लेते हैं। तो चलते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ। तो दूसरे स्टेप के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एग वाइट चाहिए, अंडे की सफ़ेदी, तो इसमें, और लेमन के चंद ड्रॉप्स। अब आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि ये एक फॉर्मी शक्ल में आ जाए। देखिए मैंने अच्छी तरह इसे बीट कर लिया, और जब भी आप बीट करेंगे तो इस तरह ये जागू पड़ आ जाएगी। तो इसी तरह का ये हमें फॉर्म चाहिए। तो अब अप्लाई कर लेते हैं उधर ही जिधर हमारे ब्लैक हेयर्स हैं, चाहे वो नोज़ पे हैं, चिन पे हैं, या फेस के किसी भी हिस्से में। तो आपने इस तरह इसको अप्लाई कर लेना। अप्लाई करने के बाद आपने टिश्यू को इस तरह से कट करके रख लेना पहले से अपने पास। तो हम इसको इस तरह लगा देंगे। लगा के इसके हमने ऊपर फिर कोटिंग करनी है एक दफ़ा। तो ये देखिए लग गया। तो अब हमने इसे छोड़ देना है जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब इसको रिमूव करना है हमने। आपने ऐसे रिमूव कर लेना आराम से, ठीक है। अब थर्ड स्टेप करते हैं हम। थर्ड एंड लास्ट स्टेप में हमें चाहिए थोड़ी सी आइस और एक कपड़ा जो कि मलमल का हो, उसमें एक पीस आपने लेना है आइस का, और उसमें कपड़े में लपेट के ऐसे। तो आपने जिधर हमने अप्लाई किया ना, उधर आपने इसको अच्छी तरह से रब करना है। इसका ये होगा कि जो ऊपर जो हमने 2 स्टेप किए हैं ना, उससे हमारे जो पोर्स हैं वो ओपन हो गए हैं, इससे ये क्लोज हो जाएंगे। तो ये करना ज़रूरी है। कैसी लगी मेरी बहुत सिंपल और इफ़ेक्टिव रेमेडी? क्योंकि 3 स्टेप तो हैं इसमें, लेकिन ये बहुत सिंपल हैं। तो आप करेंगे तो इंशाल्लाह फर्स्ट ही एप्लीकेशन से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो कैसी लगी मेरी ये रेमेडी? अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा मेरी नेक्स्ट वीडियो तक। ओके, अल्लाह हाफिज़।